हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम आप लोगों को पैंट कटिंग के बारे में जानकारी देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मोहरी का मार्किंग मार दिए हैं, डबल मार्किंग। नीचे का काट कर निकाल देंगे, जो ऊपर का है वहाँ से मोड़ लेंगे। पैंट का पहले नाप उतार लेते हैं। इसका लंबाई, कमर, फिटिंग ये सब पहले नोट कर लेते हैं। इसका लंबाई है 39 इंची, कमर 29 इंची, फिटिंग इसका है 36 इंची और जांघ इसका है 22 इंची। मोहरी इसका है 14 इंच का। हम इंच में बताएंगे, सेंटीमीटर में नहीं। अब सबसे पहले हम मोहरी के ये जो निशान होता है 7 इंची का लगाएंगे, 3.5 इंची इसमें हो गया। अब इसका लंबाई हम 38.5 पर मार्किंग एक मारेंगे, 38.5 इंच का मार्किंग इधर मार दिए और 38.5 इंच का इधर भी मारेंगे। अब हम दोनों को पटरी से सीधा कर लेंगे। उसके बाद में लंबाई के चौथाई भाग का ये जो इसका मार्किंग मारेंगे, लगभग 10.25 इंच यानी 9.5 इंच का लगेगा आसन। अब एक पटरी बराबर इधर एक मार्किंग मार दिए। इसके बाद में कमर का निशान लगाएंगे हम। कमर इसका है 29 इंची, तो 7 चौक 28 हुआ, 7.25 होना चाहिए और 1 इंची दबाओ, आधा इंची इधर दबेगा आधा इधर, यानी 7.25 इंच का मार्किंग लगाएंगे। इसका जांग है 22 इंच, तो यहाँ से नापेंगे 11 इंच, 11 × 22 हो जाएगा। ये मार्किंग लग गया। अब इधर मोहरी से और जांग से मिला देंगे। इधर का ऐसे क्रॉस करके इधर मार्किंग भी मार देंगे। अब पॉकेट का निशान हम लगाएंगे 2 इंच का, इधर 6.5 इंच का और ये आधा इंच डाउन कर लेंगे आगे की तरफ फ्रंट में। अब इसी मार्किंग पर इसे कटिंग किया जाएगा। कटिंग कर कर ये कपड़ा निकाल लेंगे। हम पैंट बनाने की विधि भी बताएंगे अगले पार्ट में और इसका खर्चा कैसे निकाला जाता है वो भी बताएंगे। हम अपने हर एक वीडियो में पार्ट वाइज डालेंगे। अब ये पैंट का कटिंग अपना हो रहा है। अभी ये फ्रंट है आगे का तरफ। इसके बाद में हम लोग बैक निकालेंगे पीछे के तरफ का। इसी कपड़े में बराबर इसे रख लेंगे। इसके बाद में ये 1.5 इंची ओवर कर देंगे आसन की तरफ, आधा इंची इधर कर देंगे साइड में, 1.5 इंची लगभग रहेगा। ये 2 इंची बढ़ा के काटेंगे ताकि कमर में दबा दिया जाएगा कम ज़्यादा करने के लिए। अब ये हो गया 2.5 इंची ओवर काटेंगे आगे वाले पट से, इसको 2 इंची नीचे एकदम मोहरी 1.5 इंची का। अब एक सीधा मार्किंग लगा देंगे हम लोग। ये मार्किंग लगाने के बाद में एक कमर का हो गया। अब इसको भी कटिंग कर कर निकाल लेंगे।
अभी अपना पैंट कट कर तैयार हो गया। इस वीडियो में हम पैंट का केवल कटिंग बता रहे हैं, पैंट का खर्चा निकालना, पैंट के सिलाई के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। अगर ये पूरा बताएंगे तो लगभग 1.5 घंटे का वीडियो बनेगा, जो कि लगभग कोई इतना समय देकर नहीं देख सकेगा। अब खर्चा वाला वीडियो अलग बता देंगे, वीडियो पैंट का खर्चा कैसे निकाला जाता है उसका अलग वीडियो बनाएंगे, फिर सिलाई का अलग बनाएंगे, पॉकेट का अलग बनाएंगे, जो थोड़े थोड़े पार्ट में करके बनाएंगे कि थोड़ा थोड़ा करके हर कोई देख ले, जिसमें कि समय भी ज़्यादा ना लगे। अगर ध्यान से देखेंगे तो वीडियो समझ में आएगी, जो चीज़ समझ में ना आए वो हमारे